हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे और आज हम बात करेंगे बोन मील के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने बोन मील मंगाया है ऑनलाइन, तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि बोन मील क्या है। बेसिक तो सबको पता है कि बोन मील के अंदर फॉस्फरस की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है, जिसकी वजह से प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स अच्छे होंगे। लेकिन बोन मील फर्टिलाइज़र क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा आज डीपली जानेंगे और वो किस हिसाब से बनाया जाता है और उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिशंस होते हैं फॉस्फरस के अलावा। तो फ्रेंड्स, बोन मील जो होता है वो एक्चुअली एनिमल्स के बोन से बनाया जाता है, जो भी एनिमल्स को मार दिया गया होता है। तो ये चीज़ में मैं बहुत डीपली नहीं जाऊँगा कि वो किस हिसाब से एनिमल्स के बोन्स को हम यूज़ करते हैं, क्या ट्रीट किया जाता है एनिमल से, वो सारी चीज़ें अभी मैं नहीं बोलूँगा। बस मैं इतना बोलूँगा कि ये एनिमल्स के बोन्स से बनाया जाता है और ये इसके अंदर फॉस्फोरस, कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा बहुत ही बढ़िया होती है, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। प्लांट्स की जो ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस को थोड़ा ठीक करती है और फ्लावरिंग्स भी प्लांट के ऊपर बहुत ही बढ़िया लाता है। ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। इन शॉर्ट, ये बहुत ही जल्दी रिजल्ट आपको नहीं देगा। आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा कम से कम 2 से 3 महीना, उसके बाद आपको धीरे धीरे प्लांट के ऊपर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और ये 100% ऑर्गेनिक चीज़ है, इसके अंदर किसी भी टाइप का केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड नहीं किया गया होता है। तो अगर इसकी प्रपोर्शन थोड़ी कम ज़्यादा हो जाए तो भी आपके प्लांट की सॉइल को किसी भी टाइप का नुकसान नहीं होगा और आपके प्लांट को भी नहीं होगा। और जो ये बोन मील हम लाए हैं वो बोन मील कोको गार्डन कंपनी का है, क्योंकि कंपनी भी बहुत बड़ा मैटर करती है जब भी आप बोन मील मंगाते हो। तो क्योंकि बोन मील के अंदर भी बाद में प्रोसेस किया जाता है, जिसकी वजह से फंगस हमारे प्लांट के ऊपर नहीं लग सकता। कुछ बोन मील ऐसे आते हैं जिसकी एप्लीकेशन के बाद हमारे प्लांट के अंदर फंगस लग जाता है, क्योंकि वो अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया जाता। जैसे कि ये स्टीम्ड बोन मील बोला जाता है। स्टीम्ड बोन मील मतलब वो प्रोसेस किया जाता है जिसके अंदर से सारा फंगस निकाल दिया जाता है, जो हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुँचाएगा। और दूसरे तरीके का भी फंगस ये स्टीम बोन मील में होता है, वो हमारे प्लांट के अंदर, सॉइल के अंदर जाएगा और हमारे प्लांट के रूट्स को हेल्प करेगा न्यूट्रिशन सक करने में। तो बेनिफिशियल फंगस भी होते हैं और नॉन बेनिफिशियल फंगस भी होते हैं। तो कुछ ट्रीटमेंट ऐसी की जाती है जिसकी वजह से जो भी बेनिफिशियल फंगस ये बोन मिल्क में होता है वो प्लांट की सॉइल के अंदर जाके बाद में हमारे रूट्स को न्यूट्रिएंट्स सक करने में हेल्प करते हैं। दूसरी एक चीज़ ये कोको गार्डन के बोन मील में है, वो है एनपीके का रेशियो उन्होंने दिया है, यानी कि इसके अंदर 3 और 15 और 0 एनपीके का रेशियो दिया गया है, जिसके अंदर आपको दिखेगा कि 3 जो है वो एन है, यानी कि नाइट्रोजन है, और 15 जो है वो फॉस्फोरस है। अब नाइट्रोजन की मात्रा भी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन बहुत ही कम मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट के ऊपर लीफ बर्न इतने ज़्यादा नहीं हो सकते। फ्रेंड्स, दूसरी एक चीज़ ये बोन मील के अंदर है कि जब भी आप बोन मील अप्लाई करते हो आपकी सॉइल के अंदर, तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि आपकी सॉइल का पीएच लेवल 7 से नीचे हो। 7 से नीचे मीन्स 6.5, 5.5 या तो 7, उतना रहना चाहिए। अगर 7 से ऊपर हुआ, 7.5, 8 या तो 9, तो बाद में ये बोन मील फर्टिलाइज़र असर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको एसिडिक सॉइल चाहिए रिएक्ट होने में। तो अगर आप अपने प्लांट के अंदर एसिडिक सॉइल बना के रखते हो तो बाद में ये बोन मील बहुत ही जल्दी इफेक्ट करेगा और आपके प्लांट के ऊपर रिजल्ट जल्दी देखने को मिल जाएंगे। तो आप इतना भी ध्यान रखिए कि जब भी आप बोन मील फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हो तो आपकी प्लांट की सॉइल थोड़ी एसिडिक रहनी चाहिए। प्लांट की सॉइल एसिडिक बनाने के लिए मेरी एक वीडियो मौजूद है, जो हम लेमन फर्टिलाइज़र से हम यूज़ कर सकते हैं, लेमन के छिलके यूज़ कर सकते हैं, लेमन के जूस यूज़ कर सकते हैं, हम विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी एक वीडियो मौजूद है, वो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कि हम किस हिसाब से प्लांट की सॉइल को एसिडिक बना सकते हैं। फ्रेंड्स, बोन मील में 2 तरीके के बोन मील आते हैं, वो है जो जिसका एनपीके रेशियो होता है 3:15:0 जो हमारे पास है, और दूसरा जो आता है जिसका एनपीके रेशियो होता है 2:22:0। तो मतलब हमें 3:15:0 वाला ही बोन मील यूज़ करना है, और जो 2:22:0 वाला बोन मील होता है वो थोड़ा बहुत ही स्ट्रांग होता है। लेकिन जनरली मार्केट में जो भी बोन मील अवेलेबल होते हैं वो है एनपीके रेशियो वाले 3:15। और इतना ध्यान रखिए कि आप जब भी बोन मील परचेस करें तो स्टीम्ड बोन मील परचेस करें और ट्रस्टेड जगह से परचेस करें, ताकि
आपके प्लांट के जो सॉयल के अंदर वो बहुत ही अच्छी तरह रिएक्ट कर सके और आपके प्लांट को भी हेल्दी बना सके। फ्रेंड्स, ये बोन मील के अंदर माइकोरिजा नाम का बैक्टीरिया यानी कि फंगस होता है। माइकोरिजा नाम का फंगस होता है जो प्लांट की सॉयल के अंदर जाता है और वो फंगस हमारे प्लांट्स के रूट्स को न्यूट्रिशन सप्लाई करने में हेल्प करता है ताकि हमारा प्लांट आराम से इजीली न्यूट्रिशन सक कर सके सॉयल के अंदर से और अपनी ग्रोथ बढ़ा सके। तो आप बोन मील जब भी डालते हो उसके साथ आप दूसरे भी फर्टिलाइजर्स अप्लाई करिए, जैसे कि वर्मी कॉम्पोस्ट हुआ या तो रोज फूड हुआ, ये सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आप उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र भी अप्लाई करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ये गर्मियों की सीज़न में केमिकल अप्लाई करना बहुत ही डेंजरस है, लेकिन आप केमिकल की मात्रा जितनी भी पहले अप्लाई करते हो उससे 50% से भी कम अप्लाई कर सकते हैं तो आपके प्लांट के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरी चीज़, केमिकल फर्टिलाइज़र अप्लाई करने के ऊपर जब भी आपका प्लांट पूरे दिन सनलाइट में पड़ा हो, यानी कि सुबह के 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अगर उसके ऊपर सनलाइट गिरती हो तो बाद में उसके अंदर आप केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि ये पूरा दिन ये प्लांट हीट के अंदर तपता रहता है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र उसके अंदर डालेंगे तो बाद में प्लांट के ऊपर लीव बर्न होना ही होना है। तो आप प्लीज़ तभी केमिकल फर्टिलाइज़र्स अप्लाई ना करें। सिंपल आपके प्लांट की मिट्टी को वेट रखिए, मॉइस्ट रखिए, ताकि जो प्लांट हो प्लांट को ज़्यादा स्ट्रेस ना लगे, और हो सके तो प्लांट को कवर करके रखें ताकि उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना गिर सके। लेकिन अगर आपके प्लांट की कुछ लोकेशन ऐसी हो तो केमिकल फर्टिलाइज़र ना यूज़ करें। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो आप सेमी शेड में रखें, जहाँ पे सुबह की धूप इसको मिल जाएगी और शाम के यानी कि 11-12 बजे तक की धूप मिलती हो, उसके बाद पूरे दिन शेड रहे तो बाद में ये प्लांट आपका सही रहेगा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद भी। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र आप 50% से भी कम रखें, ताकि बहुत ही गर्म हवाएं चलती है गर्मियों की सीज़न में, जिसकी वजह से प्लांट को स्ट्रेस हो सकता है। अब फ्रेंड्स, सवाल आता है कि बोन मील हमें कौन से प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। बोन मील फ्रेंड्स आप सभी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी प्लांट हुआ आप सभी प्लांट्स में उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फॉस्फरस एक ऐसी चीज़ है जो हर एक प्लांट की नीड होती है। अगर आपके पास पत्तों वाला प्लांट हो तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके फ्लावरिंग वाले प्लांट हो या तो फ्रूट्स वाले प्लांट हो या तो वेजिटेबल वाले प्लांट्स हो, कोई भी प्लांट हो, आप उसके अंदर ये बोन मील यूज़ कर सकते हैं। इससे बोन मील के अंदर फॉस्फरस की मात्रा होती है, जिसकी वजह से फ्लावरिंग्स बहुत ही बढ़िया होंगे, फ्रूट्स अच्छे निकलेंगे, वेजिटेबल्स बहुत ही बढ़िया निकल के आएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो फॉस्फरस से रिलेटेड होती है, इसीलिए हमें आप इसको कोई भी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हमें ये बोन मील को कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, क्या हम इसको लिक्विड में डिसॉल्व करके यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अभी आपके साथ मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, बोन मील यूज़ करने से पहले आप अपने प्लांट की सॉइल को थोड़ा एसिडिक बना दें। एसिडिक बनाएंगे तभी जाके ये बोन मील आपके प्लांट की सॉइल के साथ रिएक्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ कि ये बोन मील आप लिक्विड बना के उसको यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि स्प्रे नहीं कर सकते आपके प्लांट के ऊपर, क्योंकि ये बोन मील है, इसके अंदर हड्डियों का चूरा होता है, वो बहुत ही जल्दी लिक्विड में अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, वो बस ऐसे के ऐसा ही पड़ा रहेगा अंदर, जो यूज़लेस होगा। इसीलिए आपको ये सॉइल के अंदर डालना है। सॉइल के अंदर वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे डीकम्पोज होता जाएगा और धीरे धीरे वो मिट्टी के साथ मिक्स होगा, इसीलिए आप सॉइल में ही इसको यूज़ करें तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब इसकी कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये जो पैकेट हमारे पास है, ये पैकेट के ऊपर क्लियरली इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि यूज़ 25 ग्राम्स ऑफ बोन मील एवरी इन अ गैप ऑफ एवरी 3 वीक्स, यानी कि हमें 25 ग्राम जितना बोन मील 3 हफ्ते के गाले में डालना है, लेकिन मैं इसको 4 हफ्ते के गाले में, यानी कि सिर्फ महीने में एक बार मैं 3 चम्मच अपने पॉटेड प्लांट्स में इसको यूज़ करूँगा। अब जो भी मेरे पास रोज़ के प्लांट्स हैं मैं पहले उसमें ही यूज़ करूँगा, क्योंकि अभी सिर्फ मेरे पास 900 ग्राम है और 900 ग्राम बोन मील मेरे पूरे गार्डन में नहीं चल पाएगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे अभी रोज़ प्लांट के अंदर ही यूज़ करूँगा। उसके ऊपर रिज़ल्ट पहले देख लूँगा कि मुझे क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, बाद में फिर से आपके साथ अपडेट में ज़रूर करूँगा। अब 25 ग्राम्स ऑलमोस्ट 2.5 स्पून जितना हो जाता है। आप 2 चम्मच या तो 2.5 चम्मच आप डाल सकते हैं कोई भी प्लांट में, आपके जो भी प्लांट अगर आप ग्रो करते हो, अगर आपने रोज़ प्लांट ग्रो किया हो तो रोज़ प्लांट में या तो हाइबिस्कस में या तो कोई भी वेजिटेबल प्लांट्स हुआ, आप कोई भी प्लांट्स हुए उसके अंदर आप 2.5 चम्मच जितना ये बोन मील डाल सकते हैं। लेकिन
महीने में एक ही बार डालना है, हमें हर हफ्ते या तो हर 10 दिन में या तो हर 15 दिन में इसको बिल्कुल भी ना डालें। अगर आपके पास छोटा गमला हो, समझ लीजिए 4 से 6 इंच का गमला हो, तो बस आप एक स्पून ही इस्तेमाल करिए, एक स्पून इनफ है छोटे गमले के लिए। और अगर आपके पास 10 इंच का गमला हो तो आप उसके अंदर 2 से 2.5 स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप बोन मील को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि फॉस्फोरस की क्वांटिटी अगर सॉइल के अंदर ज़्यादा हो जाए तो कौन कौन सी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर फॉस्फोरस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो सॉइल के अंदर प्लांट्स को कुछ इतना नेगेटिव इफ़ेक्ट्स इतनी नहीं होती, लेकिन एक बहुत ही मेजर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होती है, वो है आयरन डेफिशिएंसी। जब भी फॉस्फोरस की क्वांटिटी सॉइल के अंदर ज़्यादा हो जाती है तब प्लांट के अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसके कलर लाइट हो जाते हैं और अंडर के जो लीव्स के अंदर जो कलर रहता है वो थोड़ा लाइट ग्रीन हो जाता है। आयरन की डेफिशिएंसी हमें फिर से कंट्रोल में लाने के लिए हमें बस कुछ आयरन के या तो लोहे की चीज़ों को हमें एक पानी के टब में उसको डालना है और एक पूरा नाइट उसको रखना है, उसके बाद वही पानी हमें प्लांट की सॉइल में डाल सकते हैं। लेकिन वो तो एक दूसरी बात हो गई फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप फॉस्फोरस की क्वांटिटी सॉइल के अंदर इंक्लूड करेंगे तो बाद में आयरन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम आ सकती है। और आप कोई भी फर्टिलाइज़र बनाते हो, जैसे कि आपने कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाया हो, उसके अंदर भी आप बोन मील डाल के वो फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक फर्टिलाइज़र अभी बनाया है जो मैं आपके साथ अपडेट करने वाला हूँ, तो वो फर्टिलाइज़र के अंदर भी मैंने बोन मील डाला हुआ है, ताकि वो जो भी फर्टिलाइज़र के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो धीरे धीरे ये बोन मील को डिकम्पोज करने में हेल्प करेगा। तो इसीलिए हम कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने में, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने में इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल स्प्रे करने के लिए बोन मील यूज़ करेंगे सिंपल वाटर के अंदर, तो बाद में इसका रिएक्शन आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, ज़ीरो दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर जो माइक्रोब्स होने चाहिए इसको डिकम्पोज करने के लिए वो मौजूद ही नहीं होंगे। लिक्विड सिंपल आप पानी के अंदर आप इसको डालेंगे तो बाद में पानी के अंदर ऐसे माइक्रोब्स मौजूद ही नहीं होते जो आपकी ये जो बोन मील को करने में हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक कोई भी मैटर के साथ इसको मिक्स करेंगे, जैसे कि काउडंग हुआ और दूसरे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक मैटर, वर्मी कंपोस्ट हुआ, ये सारे ऑर्गेनिक मैटर के साथ अगर आप बोन मील को इस्तेमाल करेंगे और लिक्विड बनाने में आप इस्तेमाल करेंगे कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने में, तो बाद में ये जो माइक्रोब्स होते हैं काउडंग के अंदर, वर्मी कंपोस्ट के अंदर, वो माइक्रोब्स धीरे धीरे ये बोन मील को खाते जाएंगे और वो बोन मील डिकम्पोज होता जाएगा आपके लिक्विड के अंदर ही। तो ये जो लिक्विड होगा वो न्यूट्रिटिव हो जाएगा, फॉस्फरस से भरपूर हो जाएगा, प्लस उसके अंदर आपने जो जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी मिक्स किए हैं उसके भी न्यूट्रिएंट्स वो लिक्विड में आ जाएंगे। और जब ये लिक्विड आप अपने प्लांट्स के अंदर डालेंगे तो आपके प्लांट्स के ऊपर रिज़ल्ट देखने को अच्छा मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ये बोन मील के बारे में मैंने आपको बताई है। अगर मैं कोई भी पॉइंट मिक्स कर गया हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और फ्रेंड्स, दूसरी एक चीज़, मैं वेस्ट डिकम्पोज़र भी मंगाने वाला हूँ, उसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे वेस्ट डिकम्पोज़र मिल जाए। आपने बहुत जगह पर सुना होगा वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में, कि कृष्णा जी की जो वीडियो आती है बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं, तो मुझे थोड़ा इंस्पायर कर रहा है कि मैं भी वेस्ट डिकम्पोज़र लाऊं। मैं भी एक गार्डनिंग लवर हूं, तो मुझे भी वो चीज़ अट्रैक्ट तो करेगी ही। तो बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में, लेकिन मैंने बहुत इंक्वायरी की, लेकिन मुझे एक्चुअली लिंक नहीं मिल रही कि कहाँ से परचेज़ करना है। अब मुझे लिंक मिल गई है कि मुझे कैसे परचेज़ करना है, तो बस मैं अभी कोशिश करूँगा कि उसको परचेज़ करूँ और आपके साथ शेयर करूँ, और मैं किस हिसाब से मैंने वेस्ट डिकम्पोज़र लिया है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी वीडियो बोन मील के ऊपर। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।